और जग्गू बोल रहा है कि ट्रेन ही खरीद लेते हैं पर। ये बार प्लीट होगा घर पे। मैडम टैक्सी मैडम नैनीताल। कितने टाइम बाद मिला, महीनों के बाद। गाइज यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशुबिष्ट व्लॉग्स में। आज हम लोगों को ना एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अभी 9 बजे के आसपास मैं उठाऊंगा, और मैं क्यों उठाऊं ये देखो, आज पापा यहाँ पर लाइक सीमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि ना ये धूल जो है उड़ के बहुत मेरे कंप्यूटर में जाती है, तो इसलिए करवा रहे हैं। और वहाँ कमरे में भी कुछ करवा रहे हैं, वो मेरे को भी आइडिया नहीं कि मैं जस्ट उठाऊँ। तो अभी के लिए तो मैं भाई जल्दी से मुँह हाथ धोता, थोड़ा मतलब मुँह तो धो लिया, थोड़ा नहाते वहाते हैं और उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट काम आज हमें करना है वो है यार, हमारा सेकेंड डोज का टाइम हो गया वैक्सीनेशन का, तो अब हम लोग वो लगा के आते हैं। और तुम्हें पता ही है यार, अभी ओमिक्रॉन कोरोना का वायरस वो वेरिएंट आ रहा है, तो वो बहुत डरावना सा लग रहा है, तो इसलिए फटाफट से वो भी करवा ही लेंगे। बट उससे पहले जाते नीचे और थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा होगा रे, हैं इधर को इधर को, वहाँ तो मैं उठा था। और क्या करा फिर तुमने उठ के, बताना जरा क्या करा तुमने, पढ़ाई करी है, पढ़ाई करी, पढ़ाई करी इतना बता, पढ़ाई करी तुमने, हाँ तो सुबह का उठ के क्या करा तूने बताना मेरे, उधर कोने में मत जा, कोने में मत जा, इधर को यहाँ पर चल, नीचे चल, नीचे बिल्कुल। डरते हैं बच्चे मेरे से भाई, गर्मियों में इसको पास रखना है अपने भाई, क्या हवा छोड़ता है इसकी पूछ। दादा दादा पानी खा लो, दोस्तों से मिलकर हमको तो दो पानी खा लो यार। ओए तुम दोनों मेरे को शांति से नहाने भी क्यों नहीं देते रे, इतना ज्यादा हल्ला मचा रखा था इन लोगों ने, चीखना चिल्लाना है पोम्पुलिये, परेशान कर देना तेरे को भी। तो गाइज मैं अभी नहा के जस्ट छत पे आया था, तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज पता चली है कि हमारी दीदी जो है वो दिल्ली से अभी आ रही है, मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन लेने जाना पड़ेगा। तो मम्मी मैं और शिवांगी और शायद से पोम्पू, पोम्पू का पता नहीं, लेकिन देखते हैं कि पोम्पू का अभी तक मैं गाड़ी में लेने गया हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे दीदी को पिकअप करके आएंगे। लाइक लिटरली मेरे को एकदम से कॉल आती था नहाते ही कि भाई क्या कहते हैं, दीदी कह रही है कि मैं आ रही हूँ मेरे को लेने आ जा। उससे मैंने कुछ सामान मंगाया, अगर वो नहीं लेके आएगी वहीं छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइज अभी मैं जस्ट कॉमेंट्स ही पढ़ रहा था, तुम लोग बता रहे थे कि ये जो कप है ये मैजिक कप है, तो इसमें जब तुम कुछ गर्म डालते हो तब जाके ये यूट्यूब गेमिंग एकदम से चमकता है। तो मम्मी आज नाश्ता इस कप में करेंगे, ठीक है। ये कप है, इसमें अगर तुम कुछ गर्म डालोगी तो इसमें ये जो लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, ये मेरे को भी नहीं दिख रहा है एक्चुअली, यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब गेमिंग करके, तो वो एकदम से चमक के आ जाएगा। तो अब चाय इसमें डालते हैं और देखते हैं कि होगा नहीं होगा। ओ रंग बदल रहा है मम्मी, हाँ सफेद होने लग गया कांधे से। यूट्यूब गेमिंग बस जरा अरे मम्मी को ही पसंद आ गया है तो। ये देख कैसे कलर चेंज कर रहे थे, हाँ ना पूरा यूट्यूब गेमिंग लिखा गया इस साइड से। ये सही है यार, ये बढ़िया चीज है मम्मी है। तो गाइस आज नाश्ते में पराठे और ये टमाटर की चटनी और चाय, फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर दीदी को लेके आते हैं। भाई ये देखो एक बार दीदी को लेने जाने के लिए ऐसी भीड़ जमा के रखी हुई थी तब से और अभी मम्मी कह रही है चल बेटे चल चलते दीदी को, मम्मी 15-20 मिनट और लगेंगे यार। भाई मेरे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, कि अंशु आ रहा है, ओ अंशु आ रहा है चलो चलो, ऐसे कभी नहीं होगा। और अभी दीदी आ रही है तो देखो जरा है ये पिट गई मेरे हाथ से। बाकी मम्मी को थोड़ा सा टाइम मिला तो मम्मी हमारा व्लॉग देख रही है आज सुबह सुबह वाला। मम्मी कैसा लग रहा, मजा आ रहा है, बस बढ़िया। अरे भाई भाई यार ये इसको कुछ तो तकलीफ है मेरे से। बाकी तो यार गाइस धूप में क्या लग रही है देख रहे हो, मैं बस एक चीज में कंफ्यूज्ड हूँ गाइस, प्लीज यार अगर हो सके, मैंने बहुत वीडियोस देख ली और बहुत सारी चीजें देखी, बट मेरे को ना थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है कि सिरामिक बेटर रहेगा या फिर पीपीएफ बेटर रहेगा। तो तुम लोग मेरे को कमेंट में बता देना कि दोनों में से ज्यादा सेफ हमारी गाड़ी किस में रहेगी, सिरामिक में या फिर पीपीएफ में, पूरा समझाते हुए अगर कर सकते तो थोड़ा सा टाइम दे दो अपना, समझा सकते हो समझा देना प्लीज, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी करवाने की सोच रहा हूँ। क्योंकि ये देख रहे हो ये नॉर्मल भी थोड़ी साफ हो रही, तो तुम्हें दिख रहा है हल्के हल्के स्क्रैच पड़ रहे जब घुमा रहे कपड़ा, तो ये सब चीजें ना हो बस यार, वो डर लग रहा है ना मुझे। चलो मम्मी लगाओ सीट बेल्ट लगाओ, हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, ये देखो यहाँ पर होगा ये, इसको पकड़ो, हाँ इसको पकड़ो, खींचो, हाँ खींचो, नहीं नहीं उसको पकड़े रखो, हाँ खींच लो, अब इसको यहाँ लगाओ, देखो ये दिख रहा है, इसके अंदर डाल दो इसको बस, हाँ
आवाज आएगी, बस हो गया। ठीक है, सही हो रहा ना, टाइट है ना। चलो अब निकलते हैं। तो मम्मी पूछ रही है कि सीट बेल्ट कैसे खोलते हैं। अब इसको दबाओगी तो मम्मी ये दोबारा से खुल जाएगा। लाल वाले को दबाओ, हाँ नीचे को दबाओ तो ये बाहर को आएगा। बस ये लो आराम से बाहर। ठीक है, चलो रे तुम लोग भी। बहुत बढ़िया। चलो, हल्द्वानी का जो ट्रेन स्टेशन है ना वो एकदम क्लीन है भाई, देख रहे हो कितना साफ सुथरा है एकदम। तो काम तो यार है भाई, मानना पड़ेगा। और खूबसूरत तो है भाई, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और बीच से ऐसे ट्रेन निकलती है। और ये देखो ये बच्चों को यहाँ, ये देखो ये देखो नाच कर रहे हैं। और जग्गू बोल रहा है कि ट्रेन ही खरीद लेते हैं। ये देखो इसको जरा, बाकी ये सारी ब्यूटी के बीच में गाइस वो खड़ा है अपना बीस्ट। देख रहे हो क्या क्या लग रहा है भाई। तो ये रही हमारी दीदी जी, दीदी पहले चले, पहले गाड़ी में बैठते फिर करते बातचीत। ठीक है, चलो ना मेरे को दे दे। चलो भाई नहीं। ये बार प्लीट होगा घर पे। मेरा भाई। ये मेरा भाई। मैडम टैक्सी, मैडम मैडम टैक्सी, मैडम नैनताल, नैनताल मैडम टैक्सी, ये सामने खड़ी है मैडम। अबे इसी में तो जा रही हो, हाँ बोलना है ना। तो गाइस फाइनली गाड़ी में आ चुके हैं, दीदी भी आ चुकी है हमारी प्यारी सी। सनरूफ बंद करूँ क्या, धूप आ रही है ना। ओके गाइस सनरूफ बंद कर देते हैं। ठीक है, और बाकी बच्चे लोग भी आ चुके हैं, मम्मी जी भी आ चुकी है। तो अब हम लोग निकलते हैं। ठीक है, सीधे घर को। दीदी आई और ये देखो पोम्पी का पागल हो गया है भाई। वो देखो भाई कितने कितने जोर से धक्का मारता है ना। अभी दीदी का सामान तो, अरे भाई मेरे को तो मत मार यार तू। वो देखो भाई क्या पागल हो रखा है। वो देखो भाई उज्जा, दीदी से कितने टाइम बाद मिला, महीनों के बाद। मम्मी देख रही है पोम्पी की हरकत। दीदी अब क्वेश्चन की घड़ी, क्या तूने, मैंने तेरे से जो हुड मंगाई थी तू लाई है? तूने कहा था मैं तो शॉपिंग करेंगे। इसको वहीं स्टेशन में छोड़ के आ जाना था, मैंने खाली लेके आया मैं इसको, इसको इसको मैंने स्टेशन में छोड़ा आना चाहिए था। भाई भाई तो अभी मेरे को दीदी ने बताया कि वो एक्चुअली एक मैगजीन में फीचर करी है अभी हाल ही में, इसमें और एक इसमें भी। भाई देखा इतना अच्छा लगता ना जब लाइक तुम तो अच्छा कर ही रहे हो बट तुम्हारे फैमिली वाले तुमसे भी अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत ऐसा अच्छी सी फीलिंग आती है यार। तो मेरे को अपनी दीदी को लेके वही चीज़ आता है कि दीदी ने जो चीज़ चूज करी, अगर शायद से दीदी मॉडलिंग नहीं लेती तो मैं भी शायद से कभी गेमिंग इन सब चीज़ों में नहीं जाता। तो एक तरह से दीदी ने मेरे को काफ़ी पावर किया था। और अभी ये सब देख के ना कि लाइक देख रहे हो क्या मैगजीन वैगजीन में आ रही है दीदी, यार फील है भाई। तो गाइज यार मेरे को अभी तक का कोविड का सेकंड डोज नहीं लगा था। अभी मैं और दीदी निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी गाड़ी ले जाएंगे क्योंकि स्टेडियम की साइड को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए अभी कार को ही रहने देते हैं। आज हम लोग निकालेंगे अपनी बाइक दोबारा से। तुम लोग बहुत सारे कमेंट में बोले थे भाई जब से कार आई है तब से बाइक भूल, यार दमदमी जी कमी क्या करो। वैक्सीनेशन करवा के लेके आते हैं आज, तो भाई कितना भी टाइम लगे लेकिन करके आएंगे। और दीदी लोगों को अभी मेरे को महिला संगीत पे भी छोड़ना है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी। एक पंप ना के ड्रामे देखो कैसे पकड़ रखा दीदी के पैर को, देखो दीदी मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी, कहीं मत जाओ दीदी, दीदी मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी। फाइनली गाइस वैक्सीनेशन लग गया है, दूसरा डोज भी। और मजाक नहीं कर रहा, शायद से मैं इतना मोटा हो गया कि उन्होंने मेरे हाथ में सुई डाली और पच करके सब अंदर कर दिया और पता भी नहीं चला। मेरे को अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, अब जैसे बोला वैसे दर्द फील हुआ थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, वो तो खैर अभी सही हो जाएगा। बट मेरे को पता है कि थोड़ी देर में थोड़ा ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है हाथ में। तो फटाफट से अब घर निकलते हैं दीदी को लेके, फिर दीदी को वहाँ महिला संगीत में भी छोड़ के आना है। तो चलो निकलते हैं घर की तरफ को। और यार सच्ची में क्या खूबसूरत लग रही है, देखो एक बार इसको धूप में यार। तो गाइज अभी घर पहुँचे जस्ट, और एक कांड हो गया। मैंने ला के यहाँ पर गाड़ी खड़ी करी थी, लिटरली 30 सेकंड तक खड़ी थी। मैं दीदी से बोला गेट खोल दे, दीदी वहाँ पे गेट खोल लिया, एक आंटी आई पीछे से ऐसी 10-20 की स्पीड में और सीधे ला के मार दी इसमें, देख रहे हो तुम लोग अंदर को पीछे क्या। और उसके बाद बोल रही है सॉरी ब्रेक नहीं लगे। मैंने कहा अरे भाई यार अच्छा हुआ कार नहीं निकाली थी भाई, अगर गाड़ी में पीछे से मार देती तो फिर तो भाई जो ही होता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी बज रहा है टाइम 3 और अभी सभी लोग तैयार हो गए हैं। दीदी भी प्यारी प्यारी सी लग रही है, मम्मी भी तैयार हो गई है और बाकी सभी लोग चल रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मम्मी लोगों को महिला संगीत में छोड़ के आते हैं। मैं बस हाय हेलो करके आ जाऊंगा क्योंकि महिला संगीत में मेरा क्या काम है।
पहले मम्मी लोगों की एक फोटो लेते हैं और उसके बाद गाड़ी बाहर निकाल के जल्दी छोड़ के आता हूँ मैं सबको। चलो बढ़िया बढ़िया पोज मारो, बढ़िया पोज, बढ़िया पोज मारो थोड़ा रंग से। मम्मी थोड़ा इधर आओ, हाँ ये बढ़िया लग रहे हो, ऐसे ऐसे थोड़े ई कर ई ई उनको पता ही नहीं चला वीडियो बन रही है। तो गाइस चलो अभी गाड़ी बाहर निकाल दी है, सब लोग बैठ चुके हैं, अब निकलते हैं सीधे शादी के लिए और वहीं पे मिलते हैं। मैं देखता हूँ मैं अंदर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, थोड़ा मिल के आ जाऊंगा अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो, वरना निकल आएंगे सीधे। तो हाँ वही, क्योंकि अब मेरे को पार्टी में भी जाना है ना, अभी महिला संगीत में मैं क्या ही करूंगा। तो गाइस हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पर खड़ी करी है, ये वाला बैंक्वेट हॉल है और दीदी लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर गाने बज रहे, शायद से मैं व्लॉग ना करूं। तो गाइस अभी अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, गाड़ी लगा दी है, अब मुझे जाके यार अंशु बिष्ट की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग स्टार्ट करनी है और अभी मम्मी लोगों को भी लेके आना पड़ेगा। खैर वो तो 2-3 घंटे में होगा, तो पहले एक काम करते हैं मैं जल्दी से जाके अंशु बिष्ट की रिकॉर्ड एडिट लगाता हूँ और उसके बाद चलते हैं मम्मी लोगों को लेके भी आने। तो मिलते हैं तुम लोग थोड़ी देर में। ओके ऐसे एक डॉगी तुम्हारा वेट कर रहा हो घर में जब तुम आओ तो। हाँ बड़े ला ला ला। हाँ बड़े ला ला ला। मेरा बच्चा कितना प्यारा है देखो। तो गाइस मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था और एकदम से मेरे को मम्मी का कॉल आया कि आ जा बेटा लेने के लिए। देख रहे हो तुम लोग बाहर तो एकदम अंधेरा हो ही चुका है वैसे भी ऑलमोस्ट, तो हम लोग जाते हैं फटाफट से मम्मी और दीदी को लेके आते हैं और फिर अपने काम पे वापस लगते हैं। बहुत सारा काम है, कुछ भी नहीं हुआ है, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने लेने आया हुआ हूँ, यहाँ खाना वाना खा रहे मम्मी है, चले चलो इनकी शादी है मनी शादी की। मनी शादी रिसेप्शन भी यही होगा ना कल? हाँ जी। डर ना पंकज भाई आएंगे कल को? अब हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, पता नहीं मनीषा दी ने कैसा खाना बनवा के रखा होगा। बासी है यार कल का, अच्छा था मैंने कहा अंशु के लिए रख दूँ। खाते यार बहुत भूख लग रही है। एक इन दोनों को देखो कैसे शर्मा रहे, वो कह रहा है मैंने चप्पल पहनी हुई है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये कह रहा है मैंने चप्पल पहन, वही तो मैं कह रहा हूँ। और शर्मा ऐसे रहे ना बिल्कुल जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे भाई, कोई भी नहीं है, खाली है एकदम, खाली परिवार वाले बचे हैं उसमें भी ऐसे चप्पल पहनी है बल हमने भाई, ऐसे अलग ही शर्मा रहे हैं भाई, अलग ही बिल्कुल। गाइस हम लोगों ने खाना वाना सब लोगों ने खा लिया है और ये मन्नी दी, मन्नी दी सच्ची बता रहा हूँ बहुत क्यूट लग रही होता आज आप, और मैंने अभी आपका डांस देखा, अरे बाय बाय दीदी ने दिखाया मेरे को मजा आ गया। पेट पूजा हो चुकी है, अब सीधे निकलते हैं घर की तरफ को, धूम तो बहुत सारा काम है यार। तो गाइस यार हम लोग जस्ट घर पहुंचे और ये देखो भाई अपनी नंबर प्लेट भी आ चुकी है नई वाली, अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी यार। पहले ना टेम्पररी नंबर में ना मेरे को एक दो बार रोका भी था, फिर मेरे को उनको सारे पेपर्स दिखाने पड़ते सब कुछ, अब कल जाके ना फटाफट से ये नंबर प्लेट को लगवा के भी आ जाएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों को मजा आएगा और ऐसे मजा आ रहा है तो लाइक वाला बटन दबाना, सब्सक्राइब करो गाइस 700K होने वाले तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, मैं दूं तू, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से अगली बार, बाय।